आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति के इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यानी यदि लोकतांत्रिक है तो क्यों है, और वे कौन कौन से पदाधिकारी हैं, वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वे कौन कौन से व्यक्ति हैं, वे कौन कौन से संगठन हैं जो इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सहयोग देते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि चुनावों में गड़बड़ियां होती हैं, धांधलियां होती हैं, लेकिन ये धांधलियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती जिनके कारण हम चुनावों को ही नकार दें। कोई भी पार्टी और कोई भी उम्मीदवार केवल इन धांधलियों और गड़बड़ियों के आधार पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी को जीत के लिए, विजय के लिए आवश्यकता होती है जन समर्थन की, यानी बिना जनता के समर्थन के कोई भी पार्टी विजय को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन गड़बड़ियां तो होती हैं, हम अवलोकन करते हैं उन सभी गड़बड़ियों और चुनावी धांधलियों का। चुनाव के समय मतदाताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जाता है। चुनाव के समय विभिन्न प्रकार की धांधलियां होती हैं, फर्जी मतदान करवाया जाता है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, मतदाता सूचियों में हेरा फेरी की जाती है, असली मतदाताओं के नाम गायब कर दिए जाते हैं और फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, यानी सरकारी वाहनों, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई धनराशि से अधिक उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाती है, यानी बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े खर्चे किए जाते हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति उम्मीदवार बनने की ऐसी स्थिति में सोच भी नहीं सकता। यानी ये स्थितियां चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्या चुनाव लोकतांत्रिक है अथवा नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से तथा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपादित करवाने के लिए अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, जैसे चुनाव का संचालन कौन करवाता है, क्या कोई संस्था या व्यक्ति होता है, और जो चुनाव का संचालन करवाता है वह चुनाव का संचालन करवाने के लिए सरकार से स्वतंत्र है अथवा नहीं, किसी सरकार, किसी शासक पार्टी या किसी राजनीतिक दल के दबाव में रहकर या किसी पदाधिकारी के दबाव में रहकर तो यह संगठन कार्य नहीं करता है, ऐसे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि ये जो आयोग है या जो संस्था है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम है या नहीं, उसे कुछ शक्तियां दी गई है अथवा नहीं, और दी गई शक्तियों का प्रयोग वास्तव में उस आयोग के द्वारा या उस व्यक्ति संस्था के द्वारा किया जाता है अथवा नहीं। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप संचालित करवाए जाते हैं जिनका जिम्मा होता है निर्वाचन आयोग का, यानी भारत में चुनाव संपादन करवाने का जो कार्य करता है वह संस्था है आयोग, और उस आयोग का नाम है निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता और शक्तियां रखता है, वह किसी भी व्यक्ति संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी निर्वाचन आयोग की आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और एक बार नियुक्ति हो जाने के पश्चात उसे पद से हटाना असंभव होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी अनेक कार्यों का संपादन करता है, जैसे चुनाव की घोषणा करना, यानी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव संबंधी कार्यों का संचालन करना, पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और चुनाव हो जाने के पश्चात चुनाव के परिणामों की घोषणा करना, आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना या लागू करना, और उल्लंघन करने की स्थिति में उम्मीदवारों को और राजनीतिक दलों को सजा देना, आदर्श आचार संहिता के पालना के लिए अनेक प्रकार के दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते रहते हैं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकना, और चुनाव के समय समस्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना, यानी जब चुनाव संपादित होते हैं उस समय समस्त कार्यकारी शक्ति निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है और समस्त अधिकारी और कर्मचारी जो चुनाव में तैनात होते हैं वे निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं।
करते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य होता है मतदान कार्य में पारदर्शिता संपादित करना, और यदि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपादित नहीं हुए हैं तो पुनः चुनाव करवाना, किसी सीट के खाली होने पर उपचुनाव करवाना, और चुनाव कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी या गलती होने पर प्रशासन को फटकार लगाना। अनेक बार हम यह भी देखते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा सरकार को भी फटकार लगाई जाती है। अब यह सभी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा तभी संपादित हो सकते हैं जब चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। यानी चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी गई है उनका प्रयोग वह बिना किसी दबाव के कर सके। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।